ग्रामीण महिला महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर छात्राओं के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल से मुलाकात कर फील्ड सर्वे किया। वनस्पति शास्त्र विभाग अध्यक्ष व एशियन साइंस एडिटर्स काउंसिल के सदस्य डॉक्टर विकास पारेख ने बताया कि इस एक दिवसीय विशिष्ट फील्ड विजिट के दौरान विभाग की छात्राओं ने विश्व पटल पर अपना विशेष स्थान रखने वाले राजस्थान की इको फेमिनिज्म के लिए देश के मॉडल विलेज ग्रीन ग्राम पिपलांत्री की विजिट की। इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा पर्यावरण व गर्ल चाइल्ड को बचाए रखने व उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए किए गए अथक प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर विकास पारेख के अनुसार राजस्थान के पिपलांत्री विलेज में प्रत्येक बेटी के जन्म पर पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल की पहल के द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं एवं बेटी के बड़े होने के साथ साथ पौधों के भी बड़े होने के कारण गांव की प्रत्येक बेटी इन पौधों को अपने भाई के समान मानकर राखी बांधकर इको फेमिनिज्म का विशेष उदाहरण प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश विश्व को प्रदान करती है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुभाग जाखड़ ने बताया कि इस दौरान छात्राओं को प्राकृतिक इंडिया रिसर्च फेलो अंकिता शाह ने नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बांस की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया व बांस से निर्मित प्राकृतिक उत्पादों व बैम्बू ज्वेलरी के सजीव डेमो सहित प्लास्टिक उत्पादों को बांस उत्पादों से प्रतिस्थापित कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। संस्था अध्यक्ष इंजीनियर झाबरमल ने छात्राओं को पर्यावरण के प्रति निरंतर रूप से सजग रहते हुए पर्यावरण सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करते हुए संस्था की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान संस्था उपाध्यक्ष बलवीर सारण, सचिव आर के सिंह, कोषाध्यक्ष रामनिवास मील, वनस्पति शास्त्र विभाग सहायक आचार्य अनिता नेहरा, निशा बराला, जंतु शास्त्र सहायक आचार्य विजय ढाका, प्रिया सांगवान, भूगोल विभाग सहायक आचार्य पार्वती सहित स्नातकोत्तर छात्राएं मौजूद रही। इन क्या बोलेंगे उसको ग्रोथ के आधार पे मतलब एक तो मैंने बताया क्लंप के जैसा हो रहा है, देखो झुंड है पूरा क्लंप जैसा हम लोग झुंड में बैठे हैं ना क्लंप है। दूसरा जो मेथड वो होता है सिंगल सिंगल एक पोल यहाँ पे निकल गया मोनोपोडियल, ये हो गया सिंपोडियल, वो हो गया मोनोपोडियल। एक होता है एम्फीपोडियल, एम्फी मीन्स जिसमें दोनों करेक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। तो जो मेलिकोना बेसिफेरा है वो है अपना मोनोपोडियल, मोनोपोडियल बैम्बू है। उसका सीड जो होता है बैम्बू का सबसे बड़ा सीड जो होता है मोनोपोडियल, कोई मेलिकोना बेसिफेरा का कोई सर्च करेंगे तो एक हथेली में जितना इतना बड़ा सीड होता है उसका, सबसे बड़ा सीड उसी का होता है, मूली बांस का सीड होता है। तो उस पर इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी मिजोरम में कि वहाँ पर महामारी फैल गई थी उस टाइम पर, क्योंकि फ्लावरिंग हुई सेम कंडीशन बीज गिरे हाँ सीड बने, चूहे इतने ज़्यादा हो गए उन्होंने फिर सीड खाए पहले, उसके बाद उन्होंने अनाज खाए जो फसल वसल होती होगी वो खाया, फिर बीमारी फैल गई। हाँ उसके बाद से फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया कि क्यों इसका